सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है। रिजल्ट के लिए आंदोलनरत अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली खबर है। दरअसल हाईकोर्ट के डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। परीक्षा में असफल होने वाले अभ्यर्थियों ने कोर्ट में डबल बेंच में याचिका लगाई हुई थी और इस पूरे मामले में डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखा है। कोर्ट ने तजवीर सिंह सोढ़ी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला देते हुए ये कहा कि असफल होने वाले अभ्यर्थी केस करने की अपील नहीं कर सकते। कोर्ट ने भर्ती रद्द किए जाने की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर शासन से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि हाईकोर्ट में परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज होने के बाद रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2018 को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर मिल रही है, क्या कुछ अभी जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार आंदोलन कर रहे थे रिजल्ट को लाने रिजल्ट के लिए, क्योंकि देखा जा रहा था कि इस पूरे मामले पर जो असफल अभ्यर्थी थे उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसको हाई कोर्ट की डबल बेंच ने रद्द कर दिया है। असफल अभ्यर्थियों ने ये कहा था कि इस पूरे परीक्षा में अनियमितता थी जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में जाकर इस पूरे परीक्षा परिणाम को लेकर याचिका लगाई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तजवीर सिंह सोढ़ी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 का केस का हवाला देते हुए कहा है कि असफल होने वाले अभ्यर्थी अब इसमें रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर उन छात्रों के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है जो एसआई भर्ती पास कर लिए थे जिसका परिणाम अभी तक नहीं आया था। तो ये एक बड़ी राहत वाली खबर है जो पिछले कई सालों से एसआई भर्ती जो एसआई परिणाम को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थी थे उनके लिए राहत वाली खबर है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक बड़ी राहत तो है, क्योंकि अगर ये परीक्षा रद्द हो जाती तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए एक और मुसीबत, उन्हें एक बार फिर एग्जाम देना पड़ता और संभव है कि इसमें बहुत सारी परेशानियां भी उन्हें होती। बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए।